और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव की। विजयपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस के लिए अब ये जो सीट है वो प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता इस वक्त प्रचार के मैदान में है। लेकिन इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर महाराज कहाँ है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि अब तक चुनाव प्रचार में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कई बड़े नेता विजयपुर में चुनाव प्रचार के लिए जा चुके हैं, लेकिन ज्योति सिंधिया अभी तक विजयपुर की विधानसभा सीट पर एक भी बार चुनाव प्रचार के लिए नजर नहीं आए हैं। इसके पीछे कई सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, वह कभी कांग्रेस में रहते हुए स्वर्गीय माधव सिंधिया के काफी करीबी माने जाते थे और कांग्रेस सरकार में उन्हें उन्हीं की वजह से मंत्री पद तक मिला था। आपको बता दें कि रामनिवास रावत को सिंधिया परिवार का काफी विश्वास पात्र माना जाता है, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपने तमाम दल के साथ बीजेपी में शामिल हुए तब कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत भी उनके साथ ही बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन लंबे अंतराल के बाद भी रामनिवास रावत कांग्रेस में से बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इस बात की तीस सिंधिया के भीतर भी बताई जाती है। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी में आने से पहले भी रामनिवास रावत ने सिंधिया से संपर्क तक नहीं किया था और वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। कहा जाता है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से चर्चा की थी। यही बात कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कल भी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है प्रदेश के नेता नहीं है, वो देश के भी नेता नहीं, वो अपने आप को वैश्विक नेता बताते हैं। तो इंटरनेशनल लीडर का मुझे लगता नहीं है कि कोई भी उपयोग होगा भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर चुनाव में। यही कारण है कि वो बिल्कुल नदारद है। और आपको हमेशा से पता है कि आयातित जो भाजपा है और स्थापित भाजपा में हमेशा से संघर्ष रहा है, और यही कारण है कि इस उपचुनाव से मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी उचित दूरी बना ली है और जनता को भी संदेश दे रहे हैं कि वे कांग्रेस के साथ जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि प्रचार में कौन नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, पूरा सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं। और जहाँ तक वो दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं की फितरत नहीं होती। मैं तो 400 चुनाव लड़ा हूँ, मुझे मालूम है कांग्रेस ही क्या करते हैं, तो व्रत के आरोप नहीं लगाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है वो बरकरार है और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है, जनता को बहकाने की कोशिश नहीं करे, जनता सब समझती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार प्रसार न करने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि खुद को एक वैश्विक नेता बताते हैं, तो इसलिए वह छोटे मोटे चुनाव में प्रचार के लिए आना समय की बर्बादी होगा। वहीं कांग्रेस के इस बयान का कटाक्ष करते हुए बीजेपी का कहना है कि भाजपा एक संगठित पार्टी है और यहां सभी काम अनुशासन से होते हैं। जिस व्यक्ति की जहां ड्यूटी लगाई जाती है वह वही काम करता है, इसलिए जब भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ड्यूटी लगाई जाएगी वह जरूर पहुंचेंगे। तो देखिए, विजयपुर में किसकी विजय होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।